मॉर्निंग दोस्तों, होप आप सब अच्छे हो। अभी सुबह के 6 बजे और मेरा डेली रूटीन शुरू हुआ है। बच्चों के लिए टिफिन बना के देना है, फिर बच्चे स्कूल जा पाएंगे, उनका ब्रेकफास्ट बनाना है, तो सुबह उठ के काम शुरू किया है। तो सबसे पहले मैं आटा गूंथूंगी। डेली मेरा यही काम होता है। रोटी देती रहती है। आटे में अभी नमक थोड़ा सा डालूंगी। मैं थोड़ा नमक डालती हूँ और 1 गिलास पानी दूंगी। आटा गूंदने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। मैं कभी गेहूँ के आटा नहीं ये कहती, हाथ से जितना चाहिए वो देती, लगेगा तो और ऐड करती हूँ और आटा गूंद जाता है, इतना टाइम नहीं लगता। देखो आटा गूंद के तैयार। और इसमें थोड़ा सा मैं, मुझे आता था थोड़ा सा, 2-4 ड्रॉप ऑयल डाल दूंगी। और आज एक और ही प्रॉब्लम हो गया, गैस खत्म हो गया, मैंने बुक नहीं किया था। तो आज जो खाना बनेगा इंडक्शन पे बनेगा। मुझे तो इंडक्शन में बनाने में प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन क्या होता है ना, गैस पे आप दो दो चार आइटम एक साथ बना सकते हो, लेकिन इंडक्शन पे एक टाइम पे एक ही चीज़ बनेगी। तो फाइनली अभी आज मैं भिंडी की सब्जी बनाने वाली हूँ। तो पहले तो इसको धोएंगे, फिर इसकी सब्जी काट के सब्जी बनाऊंगी। सब्जी धो ली है, अब मैं काटूंगी इसको। पहले तो इसको देखना है, ये मतलब क्या हम लोग इसको बोलते हैं, जून जून मतलब बहुत पुरानी रहती है ना, तो हार्ड रहती है काटने के लिए। तो पहले तो मैं उसके जो ऊपर वाले ये रहते हैं वो काटती हूँ, देखती हूँ जो है क्या नहीं। नॉर्मली लेडीज क्या करते हैं, ऐसे पीछे वाला कट करके देखते हैं हाथ से, तो पता चल ही जाता है। और मैं ऐसे एक साथ लेके ऐसे मैं काटती हूँ, लेकिन जब भी खाना बनाए बाल बांधना चाहिए, और मैंने अभी वो नहीं किए, वो सबसे पहले तो वो करके आती हूँ। अब मैंने बाल बांध लिए हैं, ताकि हम अगर बांधते नहीं है ना तो खाने में गिरने का चांस रहता है, तो बेटर है बांध के फिर काम करें। चलो अब मैं पूरी सब्जी काट लेती हूँ। मैंने सब्जी काट ली है और आज गैस ख़त्म हुआ है, तो इंडक्शन में खाना बना रही हूँ, मैंने बताया था। तो अभी मैं इंडक्शन ऑन करती हूँ। ऑन करते ही ऐसे ये आता है, तो मैंने हम लोग ने प्रेस्टेज का लिया था, तो ये ऑन करना है। फिर मेनू में प्रेशर कुकर का अभी है, तो हमें करी का लेके आना है, तो ये करी का ऑप्शन है। तो मैंने कांच की बॉटल ऑयल के लिए है, ऐसे प्रेस करके थोड़ा है ऑयल इसमें डालूँगी।
क्योंकि अभी डाइट पे है, वेट कम करना है, तो ऑयल कम डालूँगी। बहुत सोचते हैं वेट कम करना है, कम करना है, शुरुआत तो कर देती हूँ, हो भी जाता है 1-2 किलो, फिर माँ के घर पे जाके 3-4 किलो बढ़ जाता है, क्या करें। ऐसा किस किस का होता है कि माँ के घर पे जाते हैं और वेट बढ़ जाता है, और यहाँ खुद के घर में जब रहते हैं हम कम कर लेते हैं, 4-5 किलो तो हो ही जाता है डाइट के वजह से, लेकिन माँ के घर जाते ही पता नहीं क्या हो जाता है, वेट अपने आप बढ़ जाता है, खाओ ना खाओ बढ़ ही जाता है। चलो अभी मैं करी बनाती हूँ। ये कॉफ़ी बाली से लाई हुई कॉफ़ी है, देखते हैं टेस्ट। ये बच्चों के लिए दूध, ये हस्बैंड के लिए कॉफ़ी। अब देखते हैं कॉफ़ी का टेस्ट कैसा लगता है। वनीला फ्लेवर कॉफ़ी, बहुत बढ़िया। आप भी कॉफ़ी या आपको जो भी पसंद है चाय, ये पी के आपकी सुबह की शुरुआत करो। रोटी बना रही हूँ मैं अभी, बेल के अभी उसको सेकूँगी। जिसको इंडक्शन पे आता है उनको मानना पड़ेगा, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एक ही टाइम पे एक काम करना। बैचलर्स के लिए अच्छा है। अब रोटी बन के रेडी है टिफ़िन के लिए, और सब्ज़ी भी बन के रेडी है भिंडी की। ये आलू की सब्ज़ी नाश्ते के लिए, चटनी बनाई है, अभी इसमें सिर्फ तड़का डालना बाकी है। अब ये डोसा बन रहा है चटनी और आलू की सब्ज़ी के साथ खाने के लिए। अब बच्चे स्कूल गए हैं, अब मेरा डेली रूटीन जो थोड़ा उसके बाद वाला है वो अभी बाकी है, वो कंप्लीट करके फिर मुझे आराम मिलेगा थोड़ा टाइम, उसी टाइम पे मैं फिर कुछ कुछ रील्स बनाती हूँ। आज मैंने सोचा आप लोग से सुबह सुबह बात कर लूँ, और आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा, और आपका दिन शुभ हो। अब मैं आपसे अलविदा चाहती हूँ। बाय दोस्तों।